देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अधिक अशरफ के हमलावरों के बदली गए जेल, प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किए गए तीनों आरोपी। नैनी जेल में बंद है अधिक का बड़ा बेटा अली। आजम खान की देर रात बिगड़ी तबीयत, आधी रात दिल्ली के अस्पताल में कराया गया भर्ती। हर्नी और गैंग्रेन से पीड़ित है आजम। मुरादाबाद में फ्रिज का कंप्रेशर फटने से कबाड़ी की मौत। कबाड़ में खरीदे फ्रिज को तोड़ते वक्त हुआ खतरनाक हादसा। अतीक अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा, दोनों को मारी गई 14 गोलियां। अतीक को 9, अशरफ को मारी गई 5 गोलियां। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम किया गया स्थगित। कानपुर देहात में आज से होने थी कथा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, यूपी को राममय बनाने जल्द आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों का, जहां निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर डीएम ने नामांकन केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद मिली है। वहीं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए शिकारपुर तहसील में एसपी देहात बजरंग बली चौरसिया पहुंचे, जहां उन्होंने सभी बूथों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन की ये है प्रक्रिया चलेगी। भाई शिकारपुर तहसील में सुरक्षा व्यवस्था में थाना अहमदगढ़, सलेमपुर, छतारी, पहासू और अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं एसपी देहात ने कहा कि प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्तियों को अंदर प्रवेश किया जाएगा, वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। तहसील में शिकारपुर, छतारी और पहासू तीन स्थानों के यहाँ से पर्चे मिल रहे हैं, जिसे नामांकन होगा। और आप सबकी जानकारी में कि आज से प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो रही है, जिसके दृष्टिगत ये सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं। सब वार्ड वाइज पर्चे कहाँ से मिलेंगे, फिर कहाँ जमा होंगे, तो सब चीज़ें बैरिकेटिंग करके सबको अलग अलग चिन्हित कर दिया गया है और सब जगह लिस्ट लगी हुई है। और जो आए अपना नामांकन पर्चा खरीदें और वापसी करके जमा लिए। दोनों तरफ दाहिने बाएं आगे पीछे व्यवस्था है और पार्किंग प्लेस पे ही लोग आ रहे हैं, और अंदर की सुरक्षा के लिए और बाहर के लिए प्रक्रिया जो है निकाय चुनाव को लेकर की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं जनपद में की गई है तमाम तहसीलों में? आप जानते हैं कि हमारे जनपद में 17 नगर निकाय हैं, 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत। मैं अभी शिकारपुर तहसील में हूँ, जहाँ शिकारपुर नगर पालिका का नगर पंचायत छतारी और नगर पंचायत पहासू का नामांकन यहाँ होना है। आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करा करके सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी भी संदिग्ध और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। नामांकन पत्र की बिक्री आज से शुरू हुई है और इसी तरीके से सभी तहसीलों में व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाने की पूरी औरैया में निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और सीओ सिटी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सदर तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आने जाने वाले व्यक्ति को चेक करके ही अंदर भेजा जा रहा है। वह सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वही जिले की 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेकर नामांकन स्थल पर बैरिगेटिंग के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम, मत पेटियों के रखरखाव के साथ मतगणना टेबल को लेकर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हमारा नगर निकाय निर्वाचन की अधिसूचना प्रारंभ हो गई, नामांकन प्रारंभ हो गया, उसकी अधिसूचना सुबह सुबह जारी हुई है सभी आरओ के द्वारा। 3 तहसीलों में विशेष करके हो रहा है। तहसील सदर में 3 निकाय का है, जिसमें औरैया नगर पालिका परिषद और 2 टाउन एरिया हैं, दिबियापुर और फफूर। अजीतमल तहसील में अजीतमल टाउन एरिया और अटसू टाउन एरिया, और विदुना में विदुना टाउन एरिया और अछलदा टाउन एरिया। इस तरह नामांकन हो रहा है।
हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स लगा रखी है, सभी आर ओ आर ओ पूरे अपने सारे कागजात के साथ उपस्थित हैं और एंट्री या एग्जिट पॉइंट अलग अलग रखा है, सभी लोग सतर्क हैं। वर्तमान परिस्थिति के तहत हम लोगों ने 144 लगा रखी है, फिर भी जो कोई अपना जुलूस के रूप में आएंगे उनको अपना व्यय विवरण दिखाना होगा। नगर निकाय के चुनाव के नामांकन की ये दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसके मद्देनजर औरैया के तहसील में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें यहाँ पर जो है 3 जगहों का खपून और दिव्यापुर और नगर पालिका औरैया का भी जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके मद्देनजर पुलिस को जगह जगह पर लगाया गया है, जिसमें हर व्यक्ति को चेकिंग के बाद ही जो है अंदर जाने दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैल सके, और इसके लिए जो है अलग अलग जो है 3 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें जिसके तहत औरैया और फफून और दिव्यापुर के लिए। खबर रायबरेली से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। वही टक्कर से बाइक सवार पर 2 सगे भाइयों बहनों की मौत हो गई है और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि शीतलखेड़ा सरेनी से अपने घर वापस जाते समय सामने से आ रहे लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठी 2 सगी बहनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को आनन फानन में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया है। वह अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। कहर देखने को मिला है, 2 बहनों की मौत हो गई है, जिसमें एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया है, क्योंकि ये पूरा हादसा देर रात का बताया जा रहा है और सड़कों पर कोई रोड लाइट भी नहीं थी, जिसके कारण जो ट्रैक्टर चालक है वो मौके से फरार हो गया है। खबर औरैया से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और सीओ सिटी ने निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सदर तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आने जाने व्यक्ति को चेक करके ही अंदर भेजा जा रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिले की 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसको लेकर नामांकन स्थल पर बैरिगेटिंग के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को भी लगातार पूरा किया जा रहा है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम, मत पेटियों के रख रखाव के साथ मतगणना टेबल को लेकर मौजूदा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं आज दूसरे चरण में चुनाव होने और यह जनपद में, जिसको लेकर नामांकन को लेकर आज 17 अप्रैल को लेकर आज पूरी तैयारियां कर ली। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ वेटिंग मशीन लगाकर लोग आने जाने वालों को यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर LIU द्वारा चेक करके ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते किस तरीके से ये जो मशीन है, जो भी व्यक्ति यहाँ अंदर आता है उसको LIU द्वारा यहाँ पर चेक करके उसके बाद अंदर एंट्री की जा रही है। वही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की पुख्ता लगी हुई है। आपको बता दूँ यहाँ पर 1 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है, सॉरी 1 नगर पालिका, 2 नगर पंचायत है, जिसमें एक खपून है, दिव्यापुर है, और ये नगर पालिका के यहाँ पर वोटिंग के लिए, नामांकन के लिए आ रहे हैं। ब्रैक टीवी के लिए जायतर रोड और यहाँ
कानपुर के थाना बर्रा के अंतर्गत जनता नगर चौकी क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाने के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद महिला ने अरवरगंज स्टेशन पहुंचकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जहां मौके पर मौजूद जीआरपी ने महिला को सुरक्षित बचा लिया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वही दो अन्य आरोपी फरार है। वही पीड़ित महिला ने जनता नगर चौकी में तैनात दारोगा पर आरोप लगाते हुए बताया कि मामले पर समझौता करने का भी दबाव बनाया गया है। वही महिला ने डीसीपी साउथ पहुंचकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद डीसीपी साउथ ने अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मामला 8 महीने से भैया वो आता जाता रहा, मोहल्ले का लड़का, और उसने हमारा वीडियो बना लिया था। 8 महीने से ब्लैकमेल कर रहा था, रोज आता था, दिन में भी आता था, रात में भी आता था, और पैसे बहुत मांग करता था। हमने जेवर भी बहुत दे दिया और पैसे भी बहुत दे दिए, लेकिन उसने वीडियो नहीं डिलीट किया। कौन है ये लोग? मोनिस जौहरी, और गोल्डन भी साथ देता था। उसके बाद में एक मोहम्मद फिरोज है, ये अफरोज, 3 आरोपी हैं। आप इस समय कहाँ पे आई हैं? डीएसपी ऑफिस। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे बुलाया जा रहा है चौकी इंचार्ज को बात करने के लिए। संबल से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी शहनाज हुसैन ने पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि संबल में पिछले 3 दशक से कोई विकास का काम नहीं हुआ है। पीने का पानी, टूटी सड़कें, मेडिकल सुविधा हर आम जन तक पहुंचाना उनके मुद्दे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जीतेंगी और संबल के विकास में हर संभव प्रयास करेंगी। भ्रष्टाचार के किस मुद्दे पर बैठे थे वो तो खुद ही तो उसमें इन्वॉल्व है। कौन था वो जिसके खिलाफ वो बैठे थे, ये पता तो चले किसके खिलाफ बैठे थे। बस कुछ नहीं, कोई बाबू के खिलाफ, बाबू किसके कहने पर काम करेंगे। जब आपका प्रत्याशी इस तरीके का होगा, आपका लीडर इस तरीके का है कि उनसे कुछ काम ही नहीं करा सकता, तो आप भ्रष्टाचार तो वो कर रहा है बैठा हुआ। भ्रष्टाचार तो असल उसने किया। सभासदों पर आरोप लगा रही हूं? नहीं, सभासदों पर नहीं लगा रही हूं। मैं कह रही हूं कि जो लोग इसके हुक्मरान थे उस टाइम पर, जो पावर में थे, काम उन्हें करना था ना, तो सभासद तो उनके साथ मिलकर काम करते। सभासद किसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं? क्या उस प्रत्याशी के खिलाफ बैठे हैं? प्रदेश के कुछ शहरों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और स्कूलों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसी क्रम में सुल्तानपुर के विद्यालय में लगातार सावधानी बरती जा रही है। बच्चों को प्रत्येक दिन मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिन बच्चों को कोई परेशानी है जैसे खांसी, जुकाम या बुखार, अगर उन बच्चों को है तो उन बच्चों को बताया जाता है कि जब तक वो स्वस्थ ना हो वो घर पर रहे, जिससे हम इस बीमारी पर रोक लगा सके। विगत दिनों में कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो पुरानी स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो इसलिए लगातार सावधानी बरती जा रही है। बच्चों को मास्क साथ आने का निर्देश दिया जा रहा है, सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, और जिन भी बच्चों को अगर कोई तकलीफ़ है, खांसी है या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो उन बच्चों को बताया जा रहा है कि वो जब तक स्वस्थ ना हो जाएं घर पे रहें, स्वस्थ होने के बाद ही आएं, जिससे अन्य बच्चों में संक्रमण ना फैले। बच्चों को लगातार बताया जा रहा है कि झुंड बना करके ना खड़े हों, आपस में कोई चीज़ शेयर ना करें, जिससे कि देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कोविड के केसेस जो है बढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे जनपद में भी अभी पिछले हफ्ते से पहले जहां तक कोई केस नहीं था, पिछले हफ्ते 1 दिन 3 केस आ गए और उसके बाद जो है 1 दिन 7 केस आए। इसके क्रम में हमने जनपद वासियों से ये अपील करी थी कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें, जिससे कि हमारे जनपद में पुनः कोविड ना फैलने पावे। और आज मैं फिर आप लोगों से
जनपद संभल में 16 अप्रैल को सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशन में पहले सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान को पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित करते हुए लेटर जारी कर दिया, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही फिरोज खान को हटाकर तत्कालीन जिलाध्यक्ष रहे असगर अली को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, जिसको लेकर फिरोज खान ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में कई बार जिलाध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी के निर्देशन में काम किया है, अभी भी पार्टी ने भरोसा जताया है पार्टी के आधार पर ही काम किया जाएगा। वही वर्तमान सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद की पत्नी को सपा ने निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने पर कहा है कि परिवारवाद की राजनीति बीजेपी करती है, पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाए हैं हम उसके साथ हैं। जनपद संभल बना 2011 में, 2012 में सरकार बनी, अब 2011 से ही क्योंकि विधानसभा अध्यक्षता में संभल का 2011 से ही प्रशासनिक व्यवस्था में जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसमें मुझे ही एज ए अध्यक्ष काम करने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री बन गए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस वक्त, तो मुझे उस वक्त से 2020 तक जिलाध्यक्ष बनाए रखा, तो 4 बार अध्यक्ष में रहा, इतने लंबे कार्यकाल 9 साल के करीब का काम मैंने किया है, तो पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास है। ये तो बहुत छोटी बात है किन परिस्थितियों में बनाया, क्या कैसे हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का दावा किया था, जिसके बाद अतीक के बेटे असद और गुलाम को एनकाउंटर में देर रात मार दिया गया था, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी। वहीं उसके बाद अतीक और उसके भाई की हत्या से माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मामले में तमाम सियासी दल अब पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर संभल जिला प्रभारी फिरोज खान ने कहा कि लापरवाही तो हुई है। जब अतीक अहमद को उनके भाई को लाया गया तो कितना बड़ा सुरक्षा घेरा होता था, क्या व्यवस्था होती थी, तो मेडिकल को ले जाने के लिए, जबकि मेडिकल के सीएमओ का ये बयान है, मैंने पढ़ा है आपके चैनलों के माध्यम से, मैंने देखा है, हम तो मेडिकल करने मौके पे वहीं पहुंच जाते हैं तो वहां लाने की क्या जरूरत थी, एक दफे दिन में मेडिकल हो गया तो फिर रात में क्यों हुआ। तो बहुत इश्यूज हैं इसमें, उच्च स्तरीय जांच का विषय है और हमने भी मांग करी है, हमारी पार्टी ने भी मांग करी है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है जैसा मुझे मालूम है, और वहीं से कुछ ना कुछ होगा और हमें न्यायालय पर बहुत भरोसा है। पुलिस की लापरवाही मानते हैं या सरकार की लापरवाही? तो दिखाई दे रहा है पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस कस्टडी में राजनीतिक व्यक्ति को सुरक्षा क्यों दी जाती है, इसलिए कि उसका सुरक्षाकर्मी लापरवाही बरते या अलग हट जाए। इसलिए ऐसे आदमी को मैं मानता हूँ कि उनको आपराधिक मामलों में उनकी जांच चल रही है, उनके ऊपर मुकदमे हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी लापरवाही हुई कैसे। हरदोई के मल्लावा इलाके में किशोरी का शव लटकता मिला था, जिसकी पहचान कर ली गई थी। वहीं शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया था। शव के अंतिम संस्कार के बाद पीड़ित पिता ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों के खिलाफ डीएम और एसपी को प्रार्थना पत्र देकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। डीएम और एसपी के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोबारा शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मल्लावा थाना अंतर्गत प्रकरण है, जिसमें कुछ दिनों पूर्व एक लड़की द्वारा फांसी लगा दी गई थी, इसमें तब समय परिजनों की तहरीर पर पोस्टमार्टम पंचायत में कार्रवाई की गई थी। उसी क्रम में उनके परिजनों द्वारा पुनः कुछ बिंदु पर आपत्ति उठाई गई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में शव को पुनः निकलवाकर पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है और उसमें जो भी बिंदु आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या एलिगेशन लगाया गया? एलिगेशन उसमें पीड़ितों द्वारा लगाया गया था जिसमें रेप हुआ है और हत्या हुई है, तो उसी बिंदु पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।
खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ट्यूबवेल के टैंक में डूबकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पिलखा गांव के रहने वाले छोटे लाल अपने परिवार के साथ खेतों में गेहूं काट रहे थे, तभी खेलते खेलते 3 वर्षीय मासूम बच्चा खेत के बगल में ट्यूबवेल के पास चला गया और अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्यूबवेल के टैंक में गिर गया और टैंक में डूबने से उसकी मौत हो गई है। वह मासूम बच्चे की मौत से माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे यहाँ ऐसे गेहूँ काट रहे थे, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, उसी पास में हो दी थी, उसी में पता नहीं कैसे पार चलता, जैसे हो ऐसे गिर गया। हाँ गिर गया, उसे एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल ले गया सरकारी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।